हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गायत्री किचन में। आज हम बनाएंगे मीठा नमकीन पराठा। ये पराठा हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे और ख़ास कर बच्चों को ये पराठा बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए जाने इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मीठा नमकीन पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम आटा, 1/4 चम्मच अजवाइन, देसी घी, सेंधा नमक और 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी। चलिए सबसे पहले हम आटे का डो बना लेते हैं। हम आटे के डो को एक बाउल में लेंगे और उसमें 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथ लेंगे। जिस तरीके से रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंथते हैं, हमें इसे इसी तरीके से गूंथना है। आटा हमने गूंथ लिया है और अब हम पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए हमने गैस पे तवा रख दिया है और अब हम आटे के डो से इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां निकाल लेंगे। और अब हम एक लोई को बेल लेंगे। देखिए, हमने एक लोई को पूड़ी की साइज का बेल लिया है और अब हम दूसरी लोई को भी पूड़ी की साइज़ का बेल लेंगे। और अब हम इसके बीच में इस तरीके से घी लगाएंगे और अब हम दूसरी पूड़ी को उसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से दोनों पूड़ी को एक साथ बेल लेंगे। हमने इसे रोटी के साइज का बेल लिया है और अब हम इसे तावे पे डालेंगे। हमने नॉनस्टिक का तावा यूज़ किया है, इसलिए हमारे गैस का फ्लेम लो है। एक तरफ जब रोटी थोड़ा पक जाए तब हम इसे पलट लेंगे और अब हम एक तरफ से घी लगा के इसे पलट लेंगे। देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छी तरीके से फूल रहा है। देखिए दोनों पराठा किस तरीके से पक गया है, ये अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो गया है। पराठा बन गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इस तरीके से हम बाकी पराठा भी बना लेंगे। मीठी नमकीन पराठा बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बड़ों को तो ये पराठा पसंद आएगा ही, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो कभी चावल या रोटी नहीं खाना चाहते हैं, आप उन्हें ये गरम गरम पराठा बना के दें, उनको ये बहुत ही पसंद आएगा। इसके साथ आप जाम बटर दे सकते हैं, आप चाहे तो बच्चों को टिफ़िन में भी ये दे सकते हैं और ये बहुत ही झटपट बन जाता है। इस रेसिपी को बनाने में हमें 10 से 15 मिनट का बस टाइम लगा है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाएँ। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।